हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ जा रहा है, आपके फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को भी सेंड कर रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम 101% सोल्व हो जाएगा। दोस्तों, मेरा भी आईडी में ये प्रॉब्लम था, बट अभी सोल्व हो चुका है। मैं इसको स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे लेकर के रखा हुई है, मैं अपने आईडी में चल करके दिखाता हूँ। जब मेरा प्रॉब्लम आया था तब मैं स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ पर मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी का एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ, देख पर एक्सेप्ट हो जा रहा है, और किसी को सेंड भी करेंगे तो यहाँ पर जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड हो जा रहा है। लेकिन मेरे जो है एक दिन पहले जो है ये जो है नहीं हो रहा था, किसी को भी सेंड नहीं हो रहा था, डायरेक्ट किसी को भी सेंड कर रहे थे तो ये वाला प्रॉब्लम आ जा रहा था। तो मैंने इस रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट करने के बाद मेरा जो ये आईडी का प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। अब कैसे रिपोर्ट करना है आपको, जैसे कि आपके आईडी में अगर ये प्रॉब्लम आ गया है तो सोल्व होगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्रॉब्लम आता क्यों है। ये प्रॉब्लम आने का राज है कि जब आप किसी को लगातार बहुत सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, तभी आपके आईडी में जो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। पूरा फेसबुक से यहाँ से बैक हो जाता हूँ। यहाँ पे अपने फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपका वो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे उसका आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि देख पा रहे, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में क्लिक करना है। ऊपर में थ्री डॉट देखने को मिल रहा होगा, थ्री लाइन, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, इस पर क्लिक करना है हेल्प एंड सपोर्ट पे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में यहाँ पे जो है नीचे में देखने को मिल रहा है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो नीचे क्लिक करना है कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है डोंट इंक्लूड इन रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सिलेक्ट प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है, किसके बारे में यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है। तो आपका प्रोफाइल पे है फिर या क्या है, तो मेरा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है फ्रेंड रिक्वेस्ट का है, ये देख रहे हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रॉब्लम, आपको ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरा जो फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला जो है सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो कट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अटैच हो दिया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करके और यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा ऐड इमेज पे। ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको क्या करना है, वो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। और स्क्रीनशॉट लेने का सेलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में इस बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब द इशू, यानी कि आपका जो इशू है इसके बारे में लिखने के लिए, तो यहाँ पे आपको लिख देना है डियर फेसबुक टीम प्लीज सॉल्व फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रॉब्लम, इस तरह से लिख लेना है। और इस तरह से सेम ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर में यहाँ पे क्लिक करना है इस एरो पे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे में लिख करके गए थैंक्स, यानी कि आपका जो यहाँ पे सेंड हो चुका है फेसबुक टीम के पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 24 घंटे वेट कर लेना है। 24 घंटे वेट करने के बाद आपको जो है अपने आईडी में ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा।